हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है यार मेरी चैनल पे। तो अरे क्या, अरे जस्ट पिछले लेक्चर पे हम लोग अभी क्या किए थे, अरे पिछले लेक्चर पे हम लोग स्टार्ट किए थे कुछ फंक्शंस के बारे में, पूरा ग्राफ, डोमेन, रेंज सारा कुछ पढ़ लिए थे। तो अब हम लोग जा रहे हैं क्या करने के लिए, आज हम लोग जा रहे हैं अपने फंक्शंस के लास्ट टॉपिक को कवर करने के लिए। क्या है लास्ट टॉपिक फंक्शंस में? ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, ठीक है, सॉरी रियल फंक्शंस, ऑपरेशन ऑन रियल फंक्शंस मेरे भाई, ऑपरेशन ऑन रियल फंक्शंस। अच्छा डायरेक्ट मुद्दा पे आते, इसमें करना क्या पता है अपने को? अरे यार इसमें करना क्या पता है, देखो अरे सिंपल चीज है, कुछ नहीं करना है इसमें। इसमें क्या करना पता है कि हम लोग बस ऑपरेशंस करते हैं, मतलब दो फंक्शंस का एडिशन, दो फंक्शंस का सब्ट्रैक्शन या डिवीजन, है ना, या रेसिप्रोकल कुछ भी, या फिर प्रोडक्ट, दो फंक्शंस का तोड़ जोड़, समझ में आया बात को? बस एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, उसका कुछ रूल है। वो रूल क्या डिफाइन किया गया है, वो रूल मैं बता दूं, ये कंडीशंस क्या बता रहा है कि अगर मान लो एक फंक्शंस है, बोल लो ये D1 से रियल नंबर पे है, अब मान लो एक जी एक और फंक्शन दिया हुआ, इसका डोमेन D2 है और को डोमेन क्या है रियल नंबर पे आ रहा, मतलब कि वो मतलब रेंज जो आएगा वो रियल नंबर में से ही आएगा। D1 D2 कोई अपना डोमेन है, ठीक है, D1 और D2 को अलग अलग डोमेन है, और ये दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन तब हम लोग करेंगे, हम लोग को जब क्या क्या होगा, जब x बिलोंग करेगा ये D1 इंटरसेक्शन D2, हम लोग जो ये f(x) जो मतलब एक एग्जांपल के तौर पे f(x) प्लस g(x), बात को समझ, दो फंक्शंस का एडिशंस कर रहे हैं, तो ये x पे हम लोग सिर्फ वही इनपुट लेंगे, x पे हम लोग सिर्फ वही इनपुट लेंगे जहाँ पे ये दोनों डोमेन, जहाँ पे ये दोनों डोमेन इंटरसेक्ट करेगा। बात को नहीं समझे, इंटरसेक्शन जो होगा वो जो कॉमन पॉइंट होगा वही दोनों पॉइंट को लेके हम लोग उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब करेंगे। ये रूल डायरेक्टली दिया बुक में, तो बहुत बड़ा इंग्लिश दिया है, हाँ बुक में बहुत बड़ा इंग्लिश दिया है, लेकिन टेंशन नहीं लेना, इतने इंग्लिश से काम चलाना अपने को, ठीक है, समझ में आया? बस इतना याद रखिए, ये दोनों में क्या है ना कॉमन डोमेन होना चाहिए, कॉमन डोमेन से ही हम लोग ये सब फाइंड करेंगे। एक्चुअली में दिखता कैसे पता, ये ऐसे दिखता, ऐसे करके दे देगा एफ प्लस जी और एक्स दे देगा, इसका माने क्या होगा, मतलब ऐसे करके ऐसे दे देगा, इसका माने ये हुआ f(x) प्लस g(x), समझ में आया बात को? अरे बात को समझ में आया, तो ऐसे तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक क्वेश्चन देख रहे हैं पल्ले तो ऐसे भी नहीं पढ़ने वाला आपको, है कि नहीं? लेकिन कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस, जैसे कि मैं इसी में बता दूं, जैसे क्वेश्चन का रेस्ट्रिक्शंस क्या होता है, ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि f(x) प्लस g(x) दोनों को कॉमन डोमेन, ठीक है, लेकिन जो रेस्ट्रिक्शंस सब, जैसे क्या होता है, नीचे का जी कभी जीरो नहीं हो सकता, ये रेस्ट्रिक्शन तो आपको पता होगा, इसमें ये नीचे वाला जी हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यहाँ पर एफ नहीं हो सकता है जीरो, तो इस तरीका का रेस्ट्रिक्शन भी गिवन होता है, मतलब नहीं समझे बात को, इस तरीका का रेस्ट्रिक्शन भी गिवन होता अपने को, समझ में आया बात को? ठीक है, तो बस एक रेस्ट्रिक्शन दिया रहता है, तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें हम लोग को सम डिफरेंस सब कैसे करना, ऑपरेशन कैसे करना, क्वेश्चन पे आएंगे तो डायरेक्ट समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक, ये बस आप जान जाइए, ठीक है। अच्छा मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ पहले, उसके बाद आपको धीरे धीरे करके समझाऊंगा, ठीक है, एक एक चीज को, टेंशन नहीं लेना, ये वीडियो पे कवर करूँगा सब, बहुत कुछ देखते रहो, ठीक है। अच्छा मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये बोल रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द सम एंड डिफरेंस ऑफ identity functions and modulus functions, बोल रहा सम एंड डिफरेंस ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन और मॉड्यूलस फंक्शन निकालिए। पहले तो आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है, f(x) होता है, और मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, f(x) क्या होता है, x का मॉड, ये होता है, अरे ये होता है। तो अब हमको बोल रहा है इसका सम एंड डिफरेंस निकालने, f प्लस जी इंटू एक्स, मतलब f(x) प्लस g(x), लेकिन अपने को देखो खाली प्लस ये वो, आप बोलोगे कि सर ले तो हो तो गया, नहीं हुआ, क्या होगा सुनो, जिसका जो काम है ना वो अपने को करना भी, वो देखना भी है, अगर कुछ नहीं दिया है तो हम लोग बाई डिफॉल्ट क्या मान के चलते हैं, जो फंक्शन मैप कहाँ कर रहा है, R टू R, फंक्शन कहाँ जा रहा है, R से लेके
आर तक मैप करा, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर, तो दोनों के लिए, जी के लिए भी वही मान लेते हैं, तो दोनों के लिए रियल नंबर। लेकिन मैं यहाँ एक देखने वाला, देखो मैं यहाँ कोई भी रियल नंबर पास करूँगा मुझे वही मिलेगा, मैं यहाँ कोई भी रियल नंबर पास करूँगा मुझे वही मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ कोई भी रियल नंबर पास करूँगा नहीं, मुझे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, फिर मुझे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। नहीं समझे बात को, नहीं समझे बात को, इधर मुझे सिर्फ पॉजिटिव मिल रहा है, इधर मैं कोई भी रियल नंबर डालूँ मुझे कुछ रियल नंबर मिल रहा है, तो मैं क्या x प्लस मॉड x लिख के छोड़ दूंगा? नहीं नहीं, गलत है। मैं बोलूंगा कि ये तो मैं लिख दिया, चलो x प्लस मॉड x है, लेकिन इसमें कंडीशंस लिखना पड़ेगा आपको। क्या कंडीशंस? कि देखो x मॉड का क्या कंडीशंस होता है, अगर x मॉड है तो कंडीशंस क्या होता है, एक x होगा कब, मोर देन इक्वल टू जीरो, एक माइनस x लिखते हैं हम लोग कब, जब लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है नहीं, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव डाले, x को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग एक नेगेटिव डाले, बात को समझ में आया? अच्छा वैसे करते हैं हम लोग तो, और इसमें तो खैर कुछ भी डालो मेरा तो वही आएगा, मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें पॉजिटिव आ रहा है। तो इस कंडीशंस पे हम लोग ये करेंगे कि हम लोग यहाँ लिखेंगे कि जब x मोर देन इक्वल टू जीरो है, जब x मोर देन और इक्वल टू जीरो है, तो मेरा यहाँ पर क्या आएगा, ये फंक्शन आएगा x प्लस x, मतलब समझ में आया, मतलब 2x आएगा, समझ में आया? अगर हम प्लस करेंगे तो x प्लस x, मतलब x पॉजिटिव आएगा। अच्छा लेकिन अगर हम लोग लेस देन जीरो करते हैं, अगर हम लोग x, सॉरी अगर हम लोग x लेस देन जीरो करते हैं तो x माइनस ऑफ x लग जाएगा, जो कि मेरा ये जीरो आएगा, बात को समझ में आया? तो ये कंडीशंस है इधर वाला, ये मैं निकाला हूँ, मतलब एक 2x आ रहा है और एक जीरो आ रहा है। कब कब आ रहा है इस फंक्शंस का? जब देखो मॉड जहाँ आ गया है ना, तो हमको कंडीशंस को लिखना पड़ेगा, मॉड जहाँ आ गया मॉड को लेके चलना पड़ेगा, बात को समझ में आया? मॉड को नहीं लेंगे तो रोल नहीं होगा, बात को समझ में आया ना? देखो मॉड जो आ गया ना, तो इसी के लिए हम कंडीशंस लिखे, ये वाला देखो, मैं एक अभी जोड़ना है, जोड़ूंगा कैसे, क्या एक्स प्लस मॉड एक्स में डायरेक्ट कैसे छोड़ दूँ? नहीं, जोड़ना है ना, अब मॉड को खोलना भी है हम लोग, तो मॉड मैं कैसे खोलूंगा? मुझे पता है जब मैं मोर देन इक्वल टू जीरो लूंगा तो पॉजिटिव एक्स से खुलता है, और जब मैं लेस देन लूंगा तो मैं नेगेटिव एक्स से खुलता है, तो नेगेटिव एक्स से खुला तो मेरा क्या हो गया, वो x माइनस एक्स मतलब जीरो आ गया, मतलब 2x और जीरो आ रहा है। तो कंडीशंस तो यहाँ पहले से दिया हुआ, बस उसको लिख दिया करना। नहीं समझे बात को, नहीं समझे बात को, मतलब मैं ऐसे समझा दिया हूँ। अगर लिखने का तरीका खूबसूरती अगर देखोगे, अगर तुम खूबसूरती में लिखना चाहोगे तो मैं खूबसूरती दिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? देखो खूबसूरती किसको बोलते हैं, अच्छा खूबसूरती तुम ऐसे लिख सकते हो कि एफ प्लस जी एक्स है ना इज इक्वल टू, लिख सकते हो तुम x प्लस मॉड x इज इक्वल टू, कंडीशंस दे देना 2x व्हेन x मोर देन इक्वल टू जीरो और जीरो व्हेन x लेस देन जीरो, ये आ जाएगा। अरे ये आ जाएगा है ना, अच्छा ठीक। तो ये रहा आपका कंडीशंस इसके लिए, ये f प्लस x के इसके लिए है, f प्लस g के लिए यहाँ पर वही दिया है ना, चलो ठीक है, करेक्ट है। तो इस तरीका से हम लोग को करना है, जहाँ पर देखो इसका हम लोग कुछ नहीं करना था, तो एज इट इज़ वही आ जाता, लेकिन अब मॉड आया है तो भाई एडिशंस कुछ करके दिखाना होगा, मॉड को खोलना है क्योंकि उसका डेफिनेशन तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम उसको खोल दिए, खोलने का बाद ये आया। आप बोलोगे सर माइनस का क्या करोगे, तो माइनस का यहाँ अच्छा उसको लिख लिए हो ना, पहले अच्छा से लिख लो, नोट कर लो, अब हम इसी में माइनस करेंगे, उतना दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है? अच्छा इसको मिटाया मैं, इसको मिटा के मैं दिया माइनस, मैं दूसरा मार्कर से कर दे रहा हूँ, आप लोग अच्छा से दिखेगा कि ले ली, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस है ना, ये माइनस। तो माइनस करूँगा तो सिंपल सा चीज़ है, अगर मैं मोर देन इक्वल टू जीरो लूँ, अगर मैं मोर देन इक्वल टू जीरो लूँ तो x पॉजिटिव आएगा, x पॉजिटिव आएगा मतलब x माइनस एक्स, मतलब ये जीरो हो जाएगा, मतलब ये ऊपर वाला जीरो हो जाएगा। अब लेस देन जीरो लूँगा, लेस देन जीरो लूँगा तो ये ऑलरेडी माइनस है, लेकिन माइनस साइन के साथ ओपन होगा तो ये प्लस हो जाएगा 2x, तो नीचे वाला 2x हो जाएगा, बात को समझे? अरे नहीं समझे बात को, अरे समझना होगा, समझिए बात को। x और माइनस एक्स, मैं एक को पॉजिटिव के साथ ओपन किया, एक को नेगेटिव के साथ, नेगेटिव के साथ ओपन भी पॉजिटिव बनाने के लिए किया था, लेकिन यहाँ पर क्या ना माइनस दिया हुआ था, तो ऑलरेडी माइनस माइनस होकर प्लस होकर 2x हो गया, ठीक है? अच्छा ये जीरो और 2x, ये कंडीशन रहेगा दोनों के लिए, तो ये सब सम एंड डिफरेंस निकल गया, और कुछ तो करना नहीं था इसमें, सिंपल है, हो गया सिंपल है, बस यही तो करना है, सम एंड डिफरेंस हो गया। अरे कुछ नहीं है मेरा भाई, कुछ नहीं है, खाली आदमी का वहम है ऐसा कि हम कुछ नहीं कर सकेंगे, तुम कैसे कुछ नहीं कर सकेगा, तुम का इंसान नहीं है। अच्छा रुक, ठीक है,
तो ये रहा क्वेश्चंस, ये रहा फंडा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं अब अपने क्वेश्चंस पे। अब थोड़ा सा क्या है ना, पढ़ाई में थोड़ा मेंटेन है कि नहीं, बहुत सारा चीज़ कवर करना है। देखो ये अभी तक खत्म नहीं हुआ, अभी और इसके बाद अभी एक लेक्चर शायद डोमेन और रेंज के मैं पढ़ाऊंगा, कुछ टफ टफ क्वेश्चंस करा दूंगा एक 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 वीडियो पे, और उसके बाद फिर हम लोग एंड कर देंगे, फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे कूदेंगे। कहाँ कूदेंगे? अरे ट्रिग्नोमेट्री पे, ठीक है। इसे रब करूँ? आपका बोलने से नहीं करूँगा। अच्छा मैं रब वीडियो मैं कट कर देता हूँ, ठीक है ना, रब वीडियो करने टाइम, रब करने टाइम वीडियो कट कर देता हूँ, आई एम सॉरी, ठीक। तो आइए दोस्तों हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये बोल रहा भाई सेम डिफरेंस आइडेंटिटी, अभी रेसिप्रोकल आ गया। देखिए फंक्शंस तो सारा मैं पढ़ा दिया हूँ, बस सिंपल है, बस मैं खाली लॉजिक लिखते जाऊँगा। आइडेंटिटी फंक्शंस अभी हम लोग पढ़े, ये होता है, और रेसिप्रोकल फंक्शंस क्या होता है? 1/x होता है। अच्छा तो क्या हम लोग यहाँ पर जो फंक्शंस का मैपिंग है, मान लो जो एफ फंक्शंस जो दिया हुआ है और एक जी फंक्शंस दिया हुआ है, मान लो मैं एफ फंक्शंस को मान लिया आइडेंटिटी फंक्शंस, तो मैं इसे बोल सकता हूँ आर से आर जा रहा है, क्या मैं जी वाला फंक्शंस को भी बोल सकता हूँ? मैं मान लो इसे मैं जी फंक्शंस ले लिया, ठीक है, इसे मैं एफ वाला फंक्शंस ले लिया, या जी ऑफ एक्स लिख लूँ, ठीक है, इसे जी ऑफ एक्स लिख लूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ जी भी आर से आर मैप करेगा? क्या मैं बोल सकता हूँ? नहीं, नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि देखो मुझे रेस्ट्रिक्शंस भी साथ में लेके चलना है, बात को समझे। मैं जी सारा फंक्शंस का वैल्यू ले सकता हूँ, सारा डोमेन ले सकता हूँ, लेकिन जीरो नहीं। क्यों? क्योंकि जहाँ पर रेसिप्रोकल में आ गया तो वहाँ पर नीचे वाला कंडीशंस क्या होता है? नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं सारा डोमेन ले सकता हूँ, इनपुट पुट कर सकता हूँ जीरो को छोड़ के। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालना, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालने के लिए मुझे क्या दिमाग में आया, देखो कभी भी याद रखना जो छोटा नंबर होते हैं वही, अब ये भी पूरा रियल नंबर ये भी, लेकिन एक्सेप्ट जीरो, इसका मान इससे थोड़ा छोटा है, मतलब इसका जो डी वन इंटरसेक्शन डी टू क्या होगा पता है? ये हो जा रहा तुम्हारा आर माइनस ये इंटरसेक्शन आया दोनों का। अरे सिंपल सा बात है भाई, इसमें सारा नंबर है, और इसमें सारा नंबर में से एक कम है नीचे वाला में से, तो पूरा इंटरसेक्शन में यही वाला आएगा, कॉमन तो पूरा यही आएगा ना, तो ये कॉमन है, हमेशा याद रखना जो छोटा रहेगा उसे कॉमन ले लेना। अच्छा अब इसमें सम एंड डिफरेंस करना है, सिंपल सा चीज़ है, तो f प्लस जी एक्स तो क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस जी ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x, खत्म हो गई, x प्लस 1/x फॉर ऑल, है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस, यही होगा, नहीं समझे बात को, ठीक है। अच्छा ठीक है, सिंपल है ना, अगर मैं ये दोनों का इंटरसेक्शन करूंगा, इसको मैं d1 मान लिया, ध्यान से रखिएगा, ऐसे मैं d2 मान लिया, ये दोनों का इंटरसेक्शन करूंगा, तो यही मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये बुक बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे कुछ, बुक बोल रहा है, ठीक है। अच्छा समझ में आया, तो इसी तरीके से सिंपल माइनस वाला में क्या हो जाएगा, माइनस वाला में खाली ये माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस वाला में माइनस आ जाएगा खाली, नहीं समझे बात को, बस हो गया, सिंपल है, वो तो गया और कुछ करना नहीं। आइए हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, ठीक है, इसे मैं रब करूँ, वीडियो कट करता हूँ, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अरे सिंपल है यार, कुछ नहीं है, बस देखो फिर से वही, अपने को खाली कॉमन चीज़ निकालना है कि डोमेन क्या, मतलब इंटरसेक्शंस क्या है। अच्छा देखो माइनस टू से इन्फिनिटी और टू से इन्फिनिटी, मतलब बड़ा ये और छोटा कौन सा है, ये, तो मेरा वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अगर मैं टू से लेके इन्फिनिटी का इंटरसेक्शन करूँगा, माइनस टू से लेके इन्फिनिटी का, तो मुझे क्या मिलेगा, टू से लेके इन्फिनिटी ही मिलेगा, ठीक है। ये मिला, एफ प्लस जी करना है, अरे कुछ नहीं, एफ प्लस जी बोले तो स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये हो जाएगा, अच्छा ये भी स्क्वायर रूट है, एक्स प्लस टू का स्क्वायर रूट है, हाँ ठीक, तो एक्स प्लस टू का स्क्वायर रूट हो गया, ये मेरा एडिशंस के लिए हो गया, और यहाँ पर लिख दोगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू टू से इन्फिनिटी, नहीं समझे, है ना, अच्छा सिंपल है, कुछ था नहीं इसमें, और इस माइनस वाला में भी वैसी, एक्स माइनस टू माइनस एक्स प्लस टू, है ना, फॉर ऑल एक्स टू से लेके इन्फिनिटी, ईजी है यार ये सब, ईजी है, बहुत ईजी है ये सब, कुछ करने का है नहीं, ठीक है। तो बस एक एग्जांपल समझाने के लिए मैं कराते जा रहा हूँ। अच्छा अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, तो मैं वीडियो को कट करता हूँ, ठीक है, मैं बस ऐसे समझाने के लिए, नॉर्मली तो बहुत ईजी है, ये नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे, ये साला ये सब तो मार्क लाने वाला है यार। तो आइए तो हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अच्छा ये क्वेश्चंस मार्क है, ठीक है, ये क्वेश्चंस मार्क। अच्छा आप बोलोगे सर ये क्या, मैं डायरेक्टली देखो इतना बड़ा क्वेश्चंस लिखूंगा तो क्या तुम क्या यहीं पर एग्जाम दे देगा? अरे बस समझ, क्वेश्चन बुक से देख लेना, ठीक है, इधर देख खाली कॉन्सेप्ट है, दो टा फंक्शंस दिया हुआ, ये निकालने बोला। अच्छा डोमेन रेंज पता करना, तो डोमेन रेंज हम लोग क्वेश्चंस को देख के भी पता कर सकते हैं, पता है कि नहीं, अगर पढ़ाएंगे नहीं फंक्शंस में
पढ़ा है। अच्छा एफ ऑफ एक्स क्या है, सोल्यूशन पे आते हैं अपन लोग। एफ ऑफ एक्स क्या है, 1/x + 4। क्या डोमेन हो सकता है इसका? मैं बोलता हूँ सर नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन नीचे वाला जीरो हो कहाँ रहा है, -4 पे। तो सर हम सारा रियल वैल्यू ले सकते हैं एक्सेप्ट -4। और कहाँ तक, रेंज तक मैप करेगा, है ना। ये तो इसका डोमेन निकल गया, है ना। अच्छा डोमेन निकल गया इसका, इसका डोमेन मतलब इतना ही लिखो ना, आर तो खैर तो रियल नंबर से मैप करेगा ही। अच्छा जी ऑफ एक्स का डोमेन क्या होगा, जी ऑफ एक्स का सर सारा रियल वैल्यू होगा, मैं कुछ भी ले लूँ वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा, 0 ले लो, 2 ले लो, 1 ले लो, कुछ भी ले लो, वो सबके लिए डिफाइन होगा। लेकिन अभी दोनों में अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूंगा तो जीत तो ये जाएगा, दोनों में कंपटीशन होगा इंटरसेक्शन में तो जीतेगा वो, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कूद जाओ। इधर देखो वो इंटरसेक्शन आया, तो इंटरसेक्शन आया तो बस डायरेक्ट एफ प्लस जी करना है। तो सिंपल सा बात है, एक्स प्लस फोर, बिट वन का आंसर निकाल रहा हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। प्लस एफ प्लस जी वो नहीं लिख रहा हूँ, उतना नाटक नहीं, ठीक है। इधर देख, अच्छा एक्स प्लस फोर क्यूब, ठीक है। अच्छा बस इसको तुम क्या करो, खोल के या तो इंटू कर दो, ये तो ऐसे छोड़ दो, तेरा ऊपर में। बात को समझ में आया? बात को समझ में आया? तो समझ में, इसको खोल दो या इंटू कर दो तुम्हारे ऊपर में, तो इंटू कर देना, क्या दिक्कत है उसको, तुम ऐसा कुछ कर सकता है, तुमको इससे इंटू करना, तो ये कर दो x प्लस फोर का पावर 4, यहाँ एक पावर है और यहाँ चल जाएगा तो पावर 4 हो जाएगा, डिवाइड बाय x प्लस फोर, बस इतना छोड़ दो, बाकी खोलना है तो खोल लेना, ICC वाला खोल लेना, CBSE वाला बोला नहीं छोड़ दो तो नहीं मैं छोड़ दूँ, ठीक है। इसी तरीके से सारा निकालना, तो मैं f माइनस जी नहीं निकाल रहा हूँ, f इंटू जी भी आप निकाल लोगे हमको पता है, f बाई जी निकाल लेता हूँ। एफ बाई जी क्या होगा, अरे यार x प्लस फोर बाई क्यूब बाई एक्स प्लस फोर, अरे यार कट जाएगा एक तो खाली x प्लस फोर का होल स्क्वायर बचेगा, इसको खोल देना, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x। रेस्ट्रिक्शंस वही रहेगा, बात को नहीं समझे, रेस्ट्रिक्शंस मत भूलना, रेस्ट्रिक्शंस वही रहेगा, r में से 4 जाएगा, मतलब है ना, मतलब सारा रियल वैल्यू है, मतलब एक्सेप्ट 4 जो डोमेन है उसमें हम लोग ये नहीं डाल सकते हैं, एक्स मैंने तो नीचे वाला अनडिफाइन हो जाएगा। इसी तरीके से करना है यार, इसमें कुछ है नहीं, तो शायद मेरे ख्याल से मुझे जो बताना था मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन सब बता दिया हूँ, बाकी DPP अब मिल जाएगा। अब मैं इसमें क्वेश्चंस लिखा के होमवर्क देने वाला नहीं हूँ, मैं DPP फेंकूंगा, अभी तक DPP दिया नहीं हूँ, लेकिन एक साथ सारा DPP घुसाऊंगा मैं, देखो खाली अकबक आ जाओगे, कूद जाओगे बिल्डिंग से, ठीक है। तो ये रहा मेरा कहानी, तो इसमें मैं ज़्यादा दिमाग नहीं घुसता हूँ यार, ज़्यादा नहीं, और कुछ क्वेश्चंस है भी नहीं, जो है मैं DPP प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा कुछ भी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मैं DPP प्रोवाइड कर दूंगा, सिंपल सा लॉजिक लगाना था इस सब में, और तो इसमें ऐसा कुछ था नहीं, है कि नहीं, नहीं इसमें तो ऐसा कुछ और था नहीं। अच्छा 4 नंबर ना, इसमें जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स क्या है, अच्छा ठीक है। अच्छा ओ हो, एक गलती हो गया सर, मैं x प्लस फोर देख लिया, मैं 1 डिवाइड नहीं देखा, आई एम रियली सॉरी, हो जाता है मिस्टेक हो जाता है, दिमाग नहीं लगाना, मैं ये 1 देखा नहीं, ठीक है। एक मिनट, ये क्या हो जाएगा पता है, एक्चुअली मैं ये 1 जो है ना, ये 1 डिवाइड करना f ऊपर में, तो 1 बाई ये कर दिया, और ये नीचे में ही होगा, बात को नहीं समझे, इसके नीचे होगा ये, जैसे मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, एक्चुअली में ये ऐसे है x प्लस फोर डिवाइड बाय x प्लस फोर का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा पता है, ये हो जाएगा 1/x + 4 का 4, ये हो जाएगा, तो इसको ये नहीं होगा, ठीक है, और रेस्ट्रिक्शंस ये रहेगा। थोड़ा सा गलती हो गया, मैं सिर्फ ये देखा भाई माफ़ करना, मैं वो देखा ही नहीं, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, मैं अब करूँ, ईजी है, कोई सा हार्ड नहीं है इसमें, तो बहुत ईजी है सर, एफ प्लस जी एफ इंटू जी, बस इसी तरीके से करना है अपने को, है कि नहीं। तो मैं रब करता हूँ फंक्शंस, आप ग्राफ तो पढ़ा ही दिया हूँ, बाकी क्वेश्चंस DPP दूंगा, अगर डाउट हुआ तो पूछना, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, रब करूँ, अच्छा रब करता हूँ और वीडियो को कट करता हूँ। अच्छा सुनो, हम लोग डोमेन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, डोमेन के बारे में इसी लेक्चर में पढ़ूँ, अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, नेक्स्ट वीडियो पर करते हैं, अच्छा ना भाई, ये कम वीडियो कम लेंथ का हो जाएगा, 15 मिनट या 16 मिनट का हो जाएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो पे अभी तुरंत कंटिन्यू कर देता हूँ, ये 15 मिनट के लिए होगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।
तो जस्ट अभी हम लोग आ जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो पे भी हम लोग आपको डोमेन करा देंगे, वीडियो को 15 मिनट 10 मिनट जो है रहने दीजिए, ठीक है। ये ऑपरेशन ऑन रियल फंक्शन है, और बाकी इसके बाद वाले वीडियो पे हम लोग रेंज करा देते हैं, ठीक है। तो आइए आइए, तो हम लोग आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।